यहां पर चल रहा है हमारा सेगमेंट बरकत रमजान में। मारियोस पास्ता किचन में जुबैर हैं, यहां पर सेहतमंद रोजा पे डॉक्टर में राहिल हैं। दो साल का वक्त कैसे गुजर जाता है डॉक्टर साहब, यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन नहीं आता हमें, बस याद करते हैं, बात करते हैं, जिक्र करते हैं। और जब नादिया भाभी से मुलाकात होती है तो हम नादिया भाभी को, मैं ना प्यार से उनको अमजद साबरी कहने लगी हूँ, भाभी को ना, हाँ भाई अमजद क्या हाल है, तो क्योंकि मुझे नजर अमजद साबरी उनमें आता है। वो माँ भी बन गई, बाप भी बन गई, और माशाल्लाह जो तीन छोटे छोटे बेटे हैं, एक मुज्जी है, ऑन है, मोहिब है, साथ में परीसा है, हुरैन है। मैं कोशिश करूँगी कि हम भाभी से रब्ता हो सके, और थोड़ी देर के लिए बच्चे, भाभी अगर मसरूफ भी हों तो बच्चे हमारे साथ जरूर हों, कल इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। इस वक्त हमारा सेगमेंट चल रहा है मैं बताऊं, दूसरे राउंड का कौन सा वीडियो, तीसरा वीडियो, और वो है तीसरी टीम के लिए, आपकी स्क्रीन पर सामने देखिए। The things that fall off me, it's embarrassing. Ready? सवाल करूं? इस वीडियो में रोबोट रेड की कौन सी आंख गिर गई? रेड आई रोबोट की कौन सी आंख गिर गई? राइट आई गिर गई या लेफ्ट आई गिर गई? राइट श्योर? चलो ठीक है, इससे पहले कि मैं पूछूं ऑडियंस में कौन कहेगा लेफ्ट आई गिर गई, किसकी बारी नहीं आई है इस साइड पे, जो बच्चे से गोल्डन स्कार्फ पहना हुआ है। जी चंदा, आप कह रहे हो लेफ्ट आई, बस अपने राइट पर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ और सामने आ जाओ, वेरी नाइस। आप कह रहे हो लेफ्ट आई जी, और आप कह रहे हैं राइट आई, और सही जवाब, दो सेकंड रुक जाए। हाँ भाई कैसे हो? मारियोस पास्ता में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो, कैरियर से हो, कैसा बन गया? बेहतरीन बना है, बेहतरीन। अच्छा बर्थडे शॉट करने की देर है, निकालो फिर, ऐसे लग, फिर प्रोसेस बताऊंगा कैसे निकालूंगा, कैसे निकालना है। अच्छा बताओ फिर। अच्छा पालक, मैंने जो है राइस, बटर राइस जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टीम कर दिया है। इनकी फेवरेट, इनकी फेवरेट है, इनकी फेवरेट है। अच्छा लेकिन मैं इसमें क्रीम शामिल नहीं कर रहा हूँ। इनकी बोले तो ये है मेरी इन है, ये मेरी इन आजकल यही चलनी है। ये है मेरी इन से मिले डॉक्टर राहिल जनाब। अच्छा अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताऊँ, थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि मैंने यहाँ पे 3 कप जो है पालक लेके, ठीक है, उसको फाइन चॉप करके, ठीक है, और धो के, ठीक है, उसको फिर रख लिया था मैंने, ठीक है, फिर 3 चम्मच इसे मैंने सौते नहीं किया है, अभी सौते के बाद में है, सौते बाद में शामिल करेंगे। आपको नहीं पता हम हंस क्यों रहे हैं। हमारे यहाँ ना एक चीज है जिसका नाम है रिजवान गुम्बद। आप लोग क्या, तो माशाल्लाह क्या हमारा हाफिज बच्चा है, और क्या आवाज पाई है माशाल्लाह। ये ना बहुत उम्दा नकलें उतारते हैं सबकी, सबकी एक एक शख्स की, मुझ समेत सबकी नकलें उतारते हैं। और किसी दिन इंशाल्लाह बस जरा ईद के करीब करीब ना हम रिजवान से सबकी नकल उतरवाएंगे, जो जो जिस जिसकी नकल उसको उतारनी आती है। थोड़ी देर पहले वक्फे में ना ये जुबैर की नकल उतारा जी। हाँ तो क्या करते हैं, 3 कप जो है मैंने पालक लेके उसको धो के फाइन चॉप कर लिया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो है वो घी शामिल किया, मैं देसी घी से बना रहा हूँ, देसी घी, जब तो इतनी खुशबू आ रही है दूध, और मक्खन भी मैंने इसमें शामिल किया है, 3 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच मक्खन, ठीक है, थोड़ा सा चॉप गार्लिक, चॉप प्याज, ठीक है, मैंने पालक एज इट इज वैसे ही डाल दिया जैसे धो के रखा था मैंने, ठीक है, ठीक है। फिर टमाटर शामिल किया, और इसका जो खुशबू, जो फ्लेवर जो इसका एनहांस करता है, वो बताएं क्या है जो आपको खुशबू आ रही होगी उसे? मुझे तो मक्खन और घी की इतनी आ रही है माशाल्लाह। इसके अलावा भी एक चीज और, गैस, गैस अभी नहीं है, अभी पेट ठीक है, वो गैस यहाँ पे आ रही है जिसे खाना पक रहा है, अभी नहीं है तो मैं क्या झूठ क्यों बोलूं यार। अच्छा वो है मेथी दाना, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं देखो मैं चेक कर रही थी तुम्हें सही याद है कि नहीं, मैं तुम्हें सही बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा ये तमाम चीजें डालने के बाद मैंने इसको खूब भून लिया, अब भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगा, ये इसको मैं डालूंगा ब्लेंडर में। अच्छा इसको मैं थिक पेस्ट बनाऊंगा, पेस्ट बनाने के बाद डायरेक्ट इसको मैं ऐसी एजेंसी शामिल करूंगा, ठीक है, फिर दोबारा मक्खन शामिल करूंगा, फिर इसको भून के फिर मैं इसको डिश आउट करूंगा बटर राइस के साथ। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर ये कब जाएगा इसमें मारियोस पास्ता? मारियोस पास्ता ये आ गया, इसे शामिल करो पालक के साथ, करे करे करे। अच्छा सब साथ ग्राइंड हो जाएगा, ये पहले हम पेस्ट बनाएंगे,
पेस्ट बनाने के बाद फिर ये बारी पास ऐड करो। ठीक है, डालें डालें फिर। ठीक है, अब ये ग्राइंडर में जो है जा रहा है ये फुल मेथी दाना। तो अच्छा, इसमें पानी नहीं शामिल करना क्योंकि ऑलरेडी इतना पका हुआ है। हाँ, वरना पानी में ना कच्चा कच्चा टेस्ट आ जाएगा। मजे की बात है यहाँ ट्विस्ट के मैं मारियो पास्ता ही डालना भूल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। लेकिन आपने सिखाया तो मैंने ना, आप देखो अब बताया तो मैंने, मैं तो नहीं करूंगी ना कुछ भी। अच्छा, ये थिक पेस्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर लगे थोड़ा सा पानी में इसमें शामिल, पानी नहीं तो मिल्क डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं, थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो क्रीम से ना, लेकिन आप ही डाइट पर हैं। ये कौन सी डाइट है, असली घी मक्खन खा के मतलब। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पानी यहाँ पे शामिल करना। ठीक है, अगर इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा दूध भी रखते हैं, या क्रीम अगर है तो क्रीम डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूध से ये होगा कि उसकी जो थिकनेस है ना वो जरा सा और खूबसूरत भी लगना शुरू हो जाएगी, उसमें हल्का सा एक वाइट पानी। ठीक है, ठीक हो गया, सही है। अब ये वाह, सही है, बिल्कुल सही है। और ये आवाज तो नेसेसरी है, ये आवाज जरूरी है आपको। जब मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में, जगहों में जब ये आवाज आए, समझे आधे घंटे बाद आपने उसी घर में जाना है। तो अगर लेकिन माया था वहां पे लहसुन अदरक पिस रहा हो तो हम कह देंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक है आपके पास, आप हमें वो दे दें, हम वो ले लेंगे।